नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक गाइड। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था कि यदि आपका HDFC बैंक अकाउंट है और वो आपका HDFC बैंक अकाउंट माइनस में है तो उस बैंक अकाउंट को आप कैसे बंद कर सकते हैं। तो उस वीडियो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, लेकिन उस पर एक कमेंट आ रहा था बहुत सारे लोगों का कि हमारा HDFC बैंक अकाउंट है तो, और हम उसको बंद भी करना चाहते हैं, लेकिन उसका ना हम जो है अकाउंट नंबर जानते हैं ना ही IFSC कोड जानते हैं कि जो है उस अकाउंट को हम कैसे बंद करें। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप उस बैंक अकाउंट को कैसे बंद कर पाएंगे, उसका मैं पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप सभी लोगों के ऐसा ही कॉन्टेंट लाता रहता हूँ, मैं कोई भी टॉपिक उठाता हूँ, कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, तो आप सभी लोगों को मैं सबसे आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, हमारे चैनल की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवाने में मदद करिए, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो ला सकें। तो अब बताते हैं कि आप जो है अपने HDFC बैंक अकाउंट का जो आपने खाता नंबर आप भूल गए हैं या फिर आपको पता नहीं है तो उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि जब भी हम HDFC बैंक हो या फिर कोई अदर बैंक हो उसको ओपन करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें हमें आधार नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास में आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई सामान है आपके पास में, या आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, अगर दोनों है तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप उसको इजीली आप पता कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट का क्या नंबर था, क्या भी आपका जो है खाता नंबर था उसको आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास में आधार नंबर है, आपके आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर जो है लिंक है, तो आप एक CSC सेंटर पर जाएँ वहाँ पर, और आप जो है जहाँ पर जैसे होता क्या है कि जहाँ पर आपका पेमेंट वगैरह निकाला जाता है CSC सेंटर पर फिंगरप्रिंट के थ्रू, वहाँ पे आप जाइए और उनसे बोलिए कि हमारा जो है पेमेंट निकालना है या फिर जो है हमारे अकाउंट का डिटेल चाहिए, तो वो कुछ चार्ज आपसे लेंगे 10-15 रुपया जो भी लेते हैं। और उसके बाद में आप जो है फिंगर लगाएंगे वहाँ पर अपना और आधार नंबर देंगे, तो आपका जो है अकाउंट डिटेल वहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। तो आप उनसे जो है आपने अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ले सकते हैं, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम, फादर का नाम, एड्रेस वगैरह सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में मैंने जो वीडियो बनाई हुई है कि HDFC बैंक अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं, तो उसको आप देख करके उस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। उसका मैं जो है लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर वहां पे आप नहीं जा सकते हैं तो आपके पास में एक दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने बैंक में जाएं और अपने आधार नंबर से या पैन नंबर से आप उनको बोलिए कि हमारा एक बैंक अकाउंट में ये खाता था, और आपके जरूरत नहीं है कि आपको किसी भी बैंक ब्रांच में जाइए, बस आपका HDFC बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब HDFC का ब्रांच होना चाहिए, बाकी आप किसी भी कहीं भी रह रहे हो तो आप जाएंगे तो आपके आधार नंबर से आपका बैंक अकाउंट का डिटेल वहां से मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहीं पर डायरेक्ट आप वहां पर खाता अपना क्लोज करा सकते हैं, या फिर जो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरीके से आप जो है अपने अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने HDFC बैंक अकाउंट का, जिसका आपने जो है आप खाता नंबर भूल गए हैं, जिसका आपको पासबुक नहीं आपके पास में था, उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं, उसका मैंने पूरा जानकारी आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा और कहां पर जाकर के ये चीज़ आपको जानकारी मिल पाएगी। तो अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब हम फ्यूचर में आप सभी लोगों के लिए ऐसा ही अच्छा अच्छा कॉन्टेंट डालें तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।